Hello guys and welcome back to my channel on Human Skills. So today is another important video for all of us. तो आज हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में जानेंगे जो कि आपके बजट और आपके बजट के अनुसार आप 10 to 15,000 के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की एक फ़ोन मिल जाती है, जो कि आप जानते हैं मेड इन इंडिया होगी और ये कोई चाइनीज़ मोबाइल नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा ये है सैमसंग की कंपनी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ F12, जो कि सीरीज़ का F सीरीज़ का जो पहला लॉन्च हुआ था F12, उसके बारे में बताना चाहूँगा और ये M12 और A12 से कितना बेहतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं। आपका F12 जो इस तरीके से दिखता है, जैसे इसकी कॉर्नर आप देख सकते हैं राउंडिंग शेप में है और इसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि M12 और F12 में जो आता है और A12 में वही है, लेकिन जो पहले का जो सैमसंग रहता था उससे अपग्रेडेड वर्जन में है। और इसका जो फिंगरप्रिंट जैसे M12 ये A12 में जो रहता था आपके बैक साइड में, यहाँ पर वो अब यहाँ पर दिया है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो पावर बटन ही रहेगा वही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रहता है। तो मैं जैसे ही इसको मैं ऐसे करता हूँ ये आपका खुल गया ना। अब इसके हम स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 4GB रैम और 64GB रोम मिलता है। Zynos 850 और ऑक्टा कोर 2GHz आपको प्रोसेसर मिलता है। नाउ इसमें 4 रियर कैमरे हैं जो कि आपको 48MP, 5MP एंड 22MP के मिलते हैं, जो कि आपको मैक्रो शूट करने में मदद करता है। फ्रंट कैमरा का आपका जो मेगापिक्सल है वो 8MP है और इसकी आप फोटो देख सकते हैं कि आपको कैसे दिखता है। नाउ हम इसके डिस्प्ले और इसके जो स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, तो ये TFT वाला है HD डिस्प्ले। नाउ इसका आपका 6.5 इंचेस रहेगा और इसकी आपकी जो बैटरी है वो आपकी ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू A12 और M12 में, शायद तक 5000 है या पता नहीं, इसमें 6000 mAh बैटरी दी है। नेटवर्क टाइप आपका रहेगा 2G, 4G और 3G टाइप। आपका इसमें सिम टाइप रहेगा डुअल सिम रहेगा, एक्सपेंडेबल स्टोरेज रहेगा, ऑडियो जैक रहेगा, क्विक चार्जिंग इसमें नहीं दिया है, आपको 15 वाट का चार्जर दिया जाएगा उसी में ही थोड़ा सा फास्ट चार्जर होगा। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा हेडसेट, डाटा केबल, ट्रैवल अडेप्टर, इजेक्शन पिन और मैनुअल मिलेगा। 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी। जैसे कि आपका कैमरा इसमें देख सकते हैं और इसका आपका
जो रिजोल्यूशन है वो M12 से तो अच्छा है। एज़ कम्पेयर आप फ़ोटो को कंपेयर करें M12 और F12 का, तो ये दोनों में आपका F12 अच्छा है। एम सीरीज़ के जितने भी मोबाइल के आपके कैमरे हैं उसमें आप जनरली देखेंगे, और मैंने भी कंपेयर किया है, एज़ कम्पेयर टू M12, A12 और F12 में दोनों में कैमरा बेहतर है, लेकिन M12 में आपको कैमरा बेहतर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का, आपको साउंड का क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, उसके ज़रिए आप उसका इक्वलाइज़र करके आप अपने साउंड का क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ना इसमें फेस रिकॉग्निशन का आपको सिक्योरिटी दिया है, फिंगरप्रिंट का तो दिया ही है। और आप बात करते हैं इसके जो डिस्प्ले हर्ट्ज़ के बारे में है, मतलब इसका फास्ट रेट जो है 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले दिया है, और ये आपके पुराने वाले से तो अच्छा ही है, और इतने पैसे में आपको इतना सब कुछ दे दे रहा है, एज़ कम्पेयर टू हम पुराने A12 में जाएँ तो उससे बेहतर है। नाउ बात करते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। तो आप जाएंगे अगर फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो सभी लोगों ने इसे M12 के बजाय F12 को लेना ज़्यादा पसंद किया है। नाउ गाइस हम इसका M12, F12 और A12 में कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा बेहतर है और कौन सा सीरीज़ का फ़ोन बेहतर रहता है। तो आपको सैमसंग F12 में, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कंपैरिजन, और की फीचर्स में आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि सैमसंग F12 आपको पड़ता है 10,299 रुपये का, वहीं आपको सैमसंग A12 पड़ता है 11,999 रुपये का, और सैमसंग M12 पड़ता है आपको 10,299। तो यहाँ पर आपको दोनों का जो F12 और M12 का है वो दोनों का आपको रेट सेम पड़ता है। ना अब हम चलते हैं इसके स्क्रीन में, तो सबका स्क्रीन सेम है 6.5 इंचेस, सब में आपका स्क्रीन टाइप है IPS LCD डिस्प्ले, और स्क्रीन रिजोल्यूशन सब में वैसे ही है 720x1600 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी देखें तो सब में ही बराबर है 270 PPI। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में देखें तो सब में सेम है 20:09। स्क्रीन डिज़ाइन में देखें तो आपका वाटर ड्रॉप नॉच है दोनों में, M12 और आपका F12 में, और इसमें रेगुलर नॉच है। एज़ कम्पेयर टू रेगुलर नॉच दोनों में बेहतर दिया है, जो कि आपको रेगुलर नॉच दिया है A12 में, लेकिन दोनों M12 और F12 में दोनों में आपको वाटर ड्रॉप नॉच दिया है। स्क्रीन रेट आपका रिफ्रेश रेट देखेंगे तो A12 में आपका कम है, और दोनों में आपको 90 हर्ट्ज़ के वो रिफ्रेश रेट मिलती है। स्क्रीन बॉडी रेशियो देखिए तो इसमें आपको 82.06 और 81.95, और इसमें आपको नहीं दिया है। यहाँ पर स्क्रीन क्वालिटी आपको HD मिल जाती है, सभी में HD है। ना आपका फ़ोन वेरिएंट्स कितने में आता है, जैसे कि 4 GB, 6 GB, इसमें आपको वेरिएंट मिलेंगे, अभी इसमें नहीं आया है F12 में। M12 में आपको 4 GB और 6 GB के मिलेंगे। 6 GB में आपको 128 GB का रोम मिलेगा और 6 GB का आपको रैम मिलेगा। सेम वैसे ही आपको अभी इसमें मिलेगा A12 में, लेकिन अभी इसमें 6 GB का वेरिएंट नहीं आया है F12 में। एक्सपेंडेबल सब में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल आपको स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ आपको 512 GB तक मिला है F12 में, बाकी में आपको 1 TB तक के एक्सपेंडेबल मिला है। स्टोरेज टाइप देखेंगे तो सब में EMCC 5.1 है, इसमें अभी EMCC 5.1 नहीं आया है। सेंसर में देखें एज़ कम्पेयर टू बोथ M12 और A12, इसमें आपको ज़्यादा सेंसर मिलेंगे। इसमें आपको ये दो चीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, कंपास और जायरोस्कोप मिलेंगे। परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो आपको सभी इसमें देखेंगे तो एंड्रॉयड वर्जन 10 ही मिलते हैं, और 11 आप अपग्रेड कर सकते हैं। चिपसेट देखेंगे तो जाइनस 8 लगा है इसमें, 850 जाइनस, और इसमें भी M12 में भी 850 जाइनस लगा है, लेकिन आपको A12 में जाएंगे तो MediaTek Helio आपको ये मिलता है P35। नाउ आप CPU में जाते हैं तो CPU में आपको देख सकते हैं ऑक्टाकोर 2 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स, इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू M12।
तो आप देखेंगे बैटरी सबका सेम है, लिथियम आयन है, जनरली आपका नेटवर्क भी सेम रहता है, ब्लूटूथ भी सेम है, डिज़ाइन नेटवर्क ये सब आपका सेम ही रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू M12, F12 बेहतर है एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस। बाकी सब दोनों बराबर हैं और रेट में भी आपके बराबर हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू M12 इसके फीचर्स ज़्यादा हैं और इसकी कैमरा की क्वालिटी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू M12। और F12 और A12 का आप कंपैरिजन देख चुके हैं फ़ोटो में, दोनों के ही बराबर आपके क्वालिटी आते हैं, लेकिन M12 में आपका क्वालिटी बराबर नहीं आता। तो ये था आपका, सो फ्रेंड्स ये था आपका जो वीडियो F12 और उसके कंपैरिजन, जितने भी मोबाइल हैं सैमसंग के जो सीरीज़ थे एम सीरीज़ और ए सीरीज़, तो F12 उनसे बेहतर कैसे है इस वीडियो में हमने जाना। और भी ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।